दोस्तों आज के वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताने वाला हूं। कब के लिए? तो दोस्तों यहां पे देख लो कि 29 तारीख है, आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, 30 तारीख, उसके बाद 31 तारीख, 1 तारीख को छुट्टी रहेगी। हम यहां पे एनालिसिस करने वाले हैं दोस्तों मंडे के लिए, सॉरी ट्यूसडे के लिए, ठीक है, 2 जनवरी के लिए। तो किस तरीके से ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, आपको ट्रेड करने का मैं बोल रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी में आप देखो कि अभी मूवमेंट कैसा मिला है, तो मार्केट ऊपर जाके जो अपना उस सबसे हाई वाला पॉइंट था, जो मार्केट यही पिछले वीक मतलब इसी वीक में जो यहाँ पे टच किया है, उसके जस्ट नीचे का जो है यहाँ पे आपको ये जगह देखने को मिलेगा जो 48,180 का लेवल है। मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, एकदम हाई गया है, 48,600 के अप्रोक्स में गया है, मतलब ये फर्स्ट हाई यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे एक मार्किंग आप यहाँ पे कर लो। अब दोस्तों देखो कि नीचे की साइड जो है कौन सा, यहाँ पे मार्केट कहाँ तक नीचे आया है, उसके बाद तो सबसे लोएस्ट पॉइंट आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। अभी देखो इवेंट कौन सा है, इवेंट यही है 1 जनवरी है, जो हैप्पी न्यू ईयर का दिन है। अभी दोस्तों देखो कि हमें एक और यहाँ पे इस वाले जगह पे जो है एक बना लेना है। यहाँ पे हम क्यों इस वाले लेवल को इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे 2 से 3 बार जो है यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे मार्केट जो टच हुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से टच होकर नीचे की साइड आया, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ओके। और मार्केट इसी के नीचे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, बाकी ये रेजिस्टेंस में टच है लेकिन इसी यहीं पे जो है क्लोज हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों देखो कि मार्केट ओपन होते ही आपको किस तरीके से पोजिशन बनानी है। मुझे दोस्तों ऐसा लगता है क्योंकि देखो 1 जनवरी भी है तो इवेंट है, लेकिन इवेंट उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट हो सकता है कि अपसाइड जो है गैप अप ओपनिंग हो और मार्केट अपसाइड बुलिश मूवमेंट दिखाए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कोई भी फेक न्यूज़ अभी नहीं चल रहा है और ईयर चेंज होने वाले, 2024 आने वाला है, तो स्टार्टिंग में जो है हर ईयर देखा गया है कि मार्केट अपसाइड जो है अप ट्रेंड में थोड़ा बहुत चलता है, उसके बाद ही कुछ जो है, अगर बैड न्यूज़ कुछ आएगा तो बात अलग होती है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं आया तो मार्केट अपसाइड जाने का जो है चांस रहता है, मतलब कि या तो साइडवेज रहेगा या तो अपसाइड जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों ये वाला लेवल को आप ध्यान में रखना, ये जो ब्लू कलर का लेवल है 48,000 का जो लेवल है, 48,200-300 का लेवल, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो आप अच्छा खासा जो है ईजिली यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है अपना प्लानिंग कर सकते हो। 48,562 का लेवल है, यहाँ तक ईजिली जा सकते हो, 200 पॉइंट 250 पॉइंट का यहाँ पे आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, मार्केट नीचे की साइड आती है तो इस वाले लेवल को अगर ब्रेक करती है, देखो इसके बीच में रहे तो आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो आपको नीचे की साइड पोजिशन बना लेनी है। 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने का सोचना है, उससे ज़्यादा करने का नहीं सोचना।